नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय यादव, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट MS MCH, वर्किंग एज ए कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी इन मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर। आज मैं आपको ब्रेस्ट कैंसर के संबंध में कुछ अवेयरनेस की बातें बताना चाहूँगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अक्टूबर माह को हम लोग ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाते हैं। इस महीने में मैं अपने सभी मित्रों को एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि आपके परिवार में कोई भी महिला सदस्य जिसको कि ऐसी कोई संभावना हो, ब्रेस्ट के अंदर गांठ हो, कोई दर्द हो, या परिवार में किसी को पहले कोई गांठ रही हो, तो इस महीने में एटलीस्ट कम से कम अपने परिवार का ध्यान रखते हुए, अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखते हुए उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें जागरूक करें कि इस महीने में अपना चेकअप करवाएं और ये जल्दी से डायग्नोस कर सकें कि कोई कैंसर जैसी गांठ या कोई बीमारी तो उनके शरीर में नहीं है। मित्रों, इसी संबंध में आपसे मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही कैंसर शब्द हमारे दिमाग में आता है, हम लोग इतने ज़्यादा मतलब डिप्रेस हो जाते हैं कि हम लोग ये सोच ही नहीं पाते कि हम क्या करें। इसमें सबसे पहले जो बैरियर आता है, जैसे मान लीजिए आपके परिवार में किसी महिला को स्तन में कोई गांठ है या कोई भी बीमारी है, तो सबसे पहले हमारे मन में दो चीज़ें आती है जिनको हम बैरियर्स बोलते हैं, जो हमारे चेकअप कराने में हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, हम इसको दिखाना नहीं चाहते हैं। दो तरह के बैरियर्स होते हैं। एक तो होता है मेंटल। मैं खुद ये सोचता हूँ कि अगर मैं ये दिखाऊँगा और अगर मैं ये बोलूँगा कि मुझे गांठ है, तो कोई ये ना समझ ले कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई है या मैं बीमार हूँ। दूसरा होता है सोशल बैरियर, जिसमें कि हम ये ध्यान रखते हैं कि कोई आस पड़ोस का व्यक्ति या पारिवारिक व्यक्ति हमको डरा ना दे, ये ना बता दे कि तुझे गांठ है, कैंसर हो गया है, अब तेरा जीवन नहीं बचेगा। इन सब बैरियर्स की वजह से हम चेकअप कराने से डरते हैं। लेकिन इस टाइम में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि कैंसर में अगर हमारा कोई साथी है या हमारा कोई एक तरह से बहुत ही क्लोज है, तो है हमारा शीघ्र निदान और उसका इलाज। कैंसर को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन कैंसर को जल्दी पकड़ के उसका उपचार टाइम पे कर सकते हैं, और यही हमारे बचाव में हमारा सबसे बड़ा साथी है। जैसा कि हमको विदित है, महिलाओं के अंदर ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर बन गया है। पहले हमारे मन में जो कैंसर के बारे में विचार आता था, वो ये होता था कि ये तो एडवांस एज की या बूढ़े लोगों की बीमारी है, लेकिन ऐसा अब बैरियर नहीं रह गया है। अब ये किसी भी उम्र में, किसी भी टाइम में होने की संभावना उतनी ही है। तो हमारा सबसे बड़ा जो साथी है वो है शीघ्र निदान, मानी जल्दी से जल्दी इसका डायग्नोसिस कराएं। इसमें जो मेन प्रॉब्लम जो मैंने आपको पहले ही बताई, वो होती है हमारी इग्नोरेंस। हम ये जानते ही नहीं है कि हमको कैंसर है भी कि नहीं है। तो इसके लिए सेल्फ एग्जामिनेशन, जो हम बोलते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जो कोई भी महिला अपने घर पर स्नान करते हुए, नॉर्मल कोई भी बॉडी मसाज करते हुए, या कभी भी जब हम नॉर्मली अपने एकांत में होते हैं, तो अपने आप को चेक करके ये देख सकते हैं कि अपने स्तनों के अंदर कोई गांठ या कोई रसौली टाइप जो हम बोलते हैं, ऐसी हो तो नहीं गई है। अगर ऐसा आपको लगता है या कोई शक आपके दिमाग में आता है, तो तुरंत चिकित्सक की राय लेके उसका इलाज करवाएं या उसके बारे में निदान करके उसका इलाज करवाएं। सबसे इसके संबंध में मैं आपको दो चीज़ें और बताना चाहूँगा। इसको निदान करना या इसका डायग्नोसिस करना बहुत ही आसान है। हम किसी भी हॉस्पिटल में जाके मेमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड करवा के ये देख सकते हैं कि वो गांठ साधारण है या कैंसर की हो सकती है। दूसरा होता है उसकी बायोप्सी या साइटोलॉजी। दोनों ही जो निदान के तरीके हैं वो बहुत ही सिंपल और साधारण हैं। हम कभी भी OPD में जाके अपने डॉक्टर से संपर्क करके, उनसे चेकअप करा के ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या ये डायग्नोसिस के लिए जो बायोप्सी और ये करवा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि इस महीने में जो हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मंथ बता रहे हैं, इसमें आप अपने परिवार को एक स्वस्थ जीवन का, सेहतमंद जीवन का उपहार दे सकते हैं। कृपया अपनी महिलाओं, अपने परिवार में महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को, माताओं को इस महीने में मोटिवेट करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेहत के बारे में आपसे डिस्कस करें। कोई दिक्कत हो तो आपको बताएं, और अगर आप इस संबंध में उनकी हेल्प कर सकते हैं तो उनको कृपया अस्पताल में लेके आएं, चिकित्सक से जानकारी लेके उनकी जांच करवाएं और उनका सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।